तो हेलो गाइस, हम आ गए फिर से न्यू ब्लॉग में। आज हम लोग जाने वाले हैं घूमने रेलवे ट्रैक के पास, मतलब रेलवे स्टेशन के पास जाने वाले हैं। सर बहुत ज़्यादा दूर भी नहीं है, हम सामने हैं, तो चलो हम लोग चलते हैं रेलवे ट्रैक। एंड भाई लोग चैनल पर नए होते प्लीज़ यार थोड़ा सपोर्ट कर दो, चैनल को सब्सक्राइब कर दो यार। चलो देख सकते हो हम लोग इसी साइकिल से जाने वाले हैं, आप लोग को दिख रहा है, ये जो दिख रहा है लेडी साइकिल है, एंड साइकिल से हम लोग जाने वाले हैं रेलवे ट्रैक के पास। तो आप लोग को वीडियो पसंद आएगा तो कमेंट सेक्शन में कमेंट करके जरूर बताना कि आप लोग को वीडियो पसंद आया है। एंड भाई लोग चलो हम लोग चलते हैं सीधा सीधी, और मैं आप लोग को दिखाता हूँ उधर का एरिया और बाहर का एरिया। अभी तक तो मैं अपने घर का एरिया दिखाया, और चलो मैं बाहर कब दिखाता हूँ। तो चलो गाइस थोड़ा मैं वीडियो को पॉज कर लेता हूँ, मैं आगे आप लोग को दिखाऊंगा। सो गाइस यार चलो चलते हैं हम लोग सीधा, अभी तो शाम का टाइम हो रहा है, तो देख सकते हो यार एरिया कैसा है, एकदम पूरा हरा भरा लग रहा है, पूरा एकदम गेहूँ को कोया गया है तो पूरा हरा भरा लग रहा है। तो चलो हम लोग चलते हैं, देखो साइकिल से मैं जा रहा हूँ रेलवे ट्रैक के पास। तो चलो हम लोग चलते हैं सीधा, थोड़ा मैं बैकग्राउंड साउंड लगा लूँगा, तो चलो चलते हैं गाइस। हम लोग फाइनली रोड के पास पहुंच गए हैं, तो चलो हम लोग चलते हैं। यहाँ से ज़्यादा दूर नहीं है, अब थोड़ा सा ही दूर है, चलो हम लोग चलते हैं रेलवे ट्रैक के पास, मैं आप लोग को दिखाता हूँ। फाइनली रेलवे ट्रैक के पास पहुंच चुके हैं। दो ही रेलवे ट्रैक है जो कि ट्रेन चलते रहते हैं, आते जाते रहते हैं, लेकिन सब समय पे आते जाते हैं। और आगे जो है छोटा सा स्टेशन है, चलो मैं स्टेशन के पास चलता हूँ। और आप लोग को ये एरिया कैसा लगा आप लोग प्लीज़ यार बताना कमेंट सेक्शन में, और अच्छा लगा तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो हम लोग चलते हैं रेलवे स्टेशन के पास, और मेरा दोस्त वहाँ पे खड़ा है, चलो हम लोग चलते हैं वहाँ पे सीधा सीधी। हम लोग स्टेशन के पास पहुंच चुके हैं, देख सकते हो यार रेलवे ट्रैक ये है, और जो हमारा ये है देख सकते हो, और वो जो है मेरा दोस्त है जो साइकिल लेके चला गया थी, देख सकते हो। और स्टेशन का नाम क्या है आप लोग देख लो, लोग जो है देख सकते हो आप लोग, स्टेशन का नाम है तेनवा डुमरिया हॉल्ट, मतलब छोटा मोटा स्टेशन है इसलिए हॉल्ट लगाया गया है। और देखो उर्दू में भी लिखा गया, और इंग्लिश में भी, और हिंदी में भी लिख दिया गया है स्टेशन। देखो दोस्त आ रहा है साइकिल से, चलो हम लोग चलते हैं, आप लोग को दिखाते हैं कितना दूरी तक स्टेशन है, चलो मैं आप लोग को दिखा देता हूँ। चलो हम लोग चलते हैं सीधा सीधी, हम लोग आगे जा रहे हैं, और आप लोग देख सकते हो कितना दूर पे स्टेशन, ज़्यादा बड़ा भी स्टेशन नहीं है, आप लोग देख सकते हो एरिया देख लो गाइस, और पसंद है। तो गाइस देख सकते हो यहीं पे है जो ढाला है, और यहाँ इधर पे थोड़ा कुछ काम किया जा रहा है, कुछ प्रॉब्लम हुआ है तो हटाया जा रहा है मिट्टी वगैरह को। चलो मैं यहाँ से उतर जाता हूँ, और मैं आप लोग को दिखाता हूँ। चलो देख सकते हो गाइस यहाँ पर डेंजर लिखा जाता है, आप लोग को पता ही होगा कि डेंजर लिख दिया जाता है। तो गाइस हम लोग चल रहे हैं, साइकिल लेकर चला गया है। पर जो है हम वर्क कर रहे हैं, अपना काम कर रहे हैं, देख सकते हो। देख सकते हो गाइस वर्कर जो है यहाँ पर वर्क काम कर रहे हैं, अपने अपने ट्रैक्टर भी जा रहे हैं, देख सकते हो काफ़ी ज़्यादा अच्छा लग रहा है। और देख सकते हो इधर का एरिया देख सकते हो। तो भाई देख सकते हो यहाँ पर
सो गाइस यार मैं आप लोग को बताना चाहता हूँ कि मैं वहाँ पे अपना माइक ऑफ कर लिया था क्योंकि मैं कुछ नहीं बोल पा रहा था क्योंकि जो दो चार आदमी थे और ट्रेन जब आप लोग देखा जो ट्रेन आ रहा था उसमें आप लोग देखा भी होगा तो भैया जो बोल दिया है हमको कि जो वीडियो बनाएगा चलते बहुत जो है मर गए ऐसी मतलब ट्रेन से, तो मैं आप लोग को बोला इसीलिए मैं अपना जो माइक ऑफ कर लिया। तो चलो गाइस वीडियो कैसा लगा आप लोग कमेंट सेक्शन में कमेंट करके ज़रूर बताना गाइस यार प्लीज़ यार, और चैनल पर नए हो तो प्लीज़ यार चैनल को सब्सक्राइब कर लेना। तो चलो भाई लोग मिलते हैं हम लोग फिर से एक न्यू ब्लॉग में, तब तक के लिए जय हिंद और जय भारत।